हेलो गाइस, आज हमारे पास है बजाज पल्टीना B6 बाइक। न्यू मॉडल आया हुआ है, लॉन्च किया हुआ है कंपनी ने, जो कि आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चेंज हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं E20 लिखा हुआ है टंकी पर। तो आपको बता दूँ पल्टीना 110cc है मेरे पास, जो कि इसके इंजन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं उसके बारे में बताऊँगा, पूरी बाइक में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं इसके इंजन पर से, जो कि इसके इंजन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं, ठीक है। तो बाद में इसके सभी बताऊंगा बाद में क्या क्या बदलाव हुए। पहले इसके इंजन में शुरू करता हूं, जो कि इसके इंजन में सबसे ज़्यादा बदलाव हुए हैं यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, क्योंकि आपको पेट्रोल टी सेम आपको देखने को मिलेगी, इसमें कुछ बदलाव नहीं है। इसमें फ्यूल पंप आपको नहीं देखने को मिलता, तो इसमें आपको फ्यूल पंप नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको देख सकते हो एक हेड में पैप दिया गया है, जो कि हमारे प्रदूषण को घट करता है, जो कि इसका नाम है एयर सक्शन वाल्व, जो कि पहले आपको नहीं देखने को मिलता था, इसकी वजह से आपके हेड में बदलाव हुआ है। दूसरा है हमारा जो सेंसर लगा है, जो कि एयर सक्शन वाल्व, यहाँ पर आप देख सकता हूँ इस तरह का सेंसर ये काम करता है हमारा, जो कि हमारे प्रदूषण को घट करता है, जो कि इसकी वजह से हमारी वायरिंग भी चेंज हुई है, ठीक है। दूसरा इसका ECU में थोड़ा सा अपडेट किया गया है, जो कि एयर सक्शन वाल्व लगाया तो इसके ECU में थोड़ा सा चेंज होंगे, ठीक है। तो उसके बाद जैसे हमारा कार्बोरेटर में हमारा थोड़ा सा बदलाव किया होगा, जो कि इसके ओपन करके ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा इसके इंजन में बदलाव किए गए हैं, वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। जो कि आप देख सकते हो एक तरफ हमारा एक प्लग लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं आपको दूसरी तरफ अब जाके दिखा देता हूँ कि इस बाइक में दूसरी तरफ से भी आपको मैं दिखाता हूँ, जो कि इसमें सिंगल प्लग कर दिया गया है। दूसरी तरफ से दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पर हेड पर, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि पहले आपको इसमें देखा होगा, जो कि आपको डबल प्लग देखने को मिलता था, जो कि दूसरी तरफ क्लच की साइड में भी आपको प्लग देखने को मिलता था, जो कि अब आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर दो प्लग आपको देखने को मिलते थे, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, अब आपको सिंगल प्लग ही आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसके हेड में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। हेड का बदलाव होने के कारण इसमें क्या गया है, जो हेड का कवर होता है प्लास्टिक का, वो आप देख रहे हो ऊपर, वो भी चेंज कर दिया गया है। दूसरा इसकी रबड़ भी चेंज कर दी गई है, ठीक है, जो कि काफ़ी बदलाव किए हैं। दूसरा यहाँ पर एयर सक्शन का वाल्व लगा दिया गया है, जो कि इसकी सबसे ज़्यादा इसके हेड में बदलाव किया, जो कि इसका हैंड प्रॉपर ही चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा इसके फीचर दिखा देता हूँ, जो कि इसमें क्या क्या फीचर आपको देखने को मिलेंगे मीटर में, और हेडलाइट में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर लेता हूँ, जो कि आपको मैं पहले फ्रंट से आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ्रंट में आप देख सकते हो LED लाइट आपको देखने को मिलेगी। दूसरा आपको हैलोजन बल्ब भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं किए गए, जो कि पहले आपको देखने को मिलते वही आपको देखने को मिलेंगे। मरघाट में भी कोई आपको बदलाव ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा रेम में भी आपको 17mm टायर मिलते थे, वही आपको देखने को मिलेंगे, और कोमो ब्रेक वाला ही आपको बाइक देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसमें आपको ट्यूबलेस टायर आपको नहीं देखने को मिलेंगे 100cc बाइक में। दूसरा यहाँ पर आपको दिखा दूँ सीट की बात करते, सीट आपको सेम ही देखने को मिलेगी, इसमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं किया गया। 100cc वाले यहाँ पर देख सकते हो, सीट में ऐसा कोई बदलाव ज़्यादा नहीं किया गया है, जो कि आपको मैं पीछे से ही आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे का लुक भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको टंकी पर लिखा हुआ दिखेगा बस E20, और उसके इंजन में बदलाव किए गए ज़्यादा, और कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए ऊपर इसके इंजन पर, टंकी पर इस पर ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किए गए, सिर्फ हमारे इस पर इंजन पे गौर किया गया है। दूसरा यहाँ पर आपको देख सकते हो स्कैन करने वाली बाइक होती है, जो कि हमारा अंदर होता है, लेकिन वो अब आपको बाहर दे दिया गया है, जो कि आपको साइड पैनल खोल के इसको स्कैन करना पड़ता था, ठीक है। तो ये बाहर लगा दिया है, जो कि एक बदलाव किया गया, जो कि इसके वायरिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसके इंजन पर गौर किया गया है, जो कि इथेनॉल वाली बाइक आ रही है, जो कि आपको E20 वाली बाइक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इसमें इंजन पे गौर किया गया है, और कुछ नहीं है इसमें बाइक में। ऊपर से आपको जो पहले आपको देखने को मिलती थी वही सेम आपको देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।